सो हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्लास टेंथ ज्योग्राफी सेक्शन। तो ज्योग्राफी सेक्शन से क्लास टेंथ का चैप्टर फोर को स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर को एक वन शॉट वीडियो की तरह लेते हुए पूरे डिटेल्स व्यू को समझते हैं और उसे लाइन बाय लाइन और उस लाइन बाय लाइन को सारे मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए। बिकॉज एनसीईआरटी जो है क्लास टेंथ बोर्ड के लिए सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे ही मतलब बोले तो एकदम मस्त बुक जो होता है, उससे बेहतर कोई और बुक नहीं हो सकता है। उसके सारे टॉपिक को समझेंगे इस चैप्टर में, जो भी गतिविधि, जो भी पॉइंट है, सारे पॉइंट्स को वन वन करके समझेंगे इस वीडियो। तो इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि ये चैप्टर में क्या फर्स्टली स्टार्ट कैसे करना है। तो इन दिस चैप्टर बी स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखिए ध्यान से इंट्रोडक्शन। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट कंट्री। भारत आज भी देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। भारत में एग्रीकल्चर का बोलबाला है। बिकॉज यू नो दैट 2/3% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। आज भी हमारे देश में 2/3 यानी कि लगभग भारत में 60% से भी ज्यादा लोग जो है वो खेती ही करते हैं। आफ्टर एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। और अगर बोला जाए एग्रीकल्चर एक कैसा एक्टिविटी है, कौन सी सेक्टर में आता है, तो प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। तो आपसे कुछ पॉइंट पूछ सकता है एग्जामिनर की, व्हाट आर द मेजर पॉइंट अबाउट द एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट वन, एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज ए एग्रीकल्चरली कंट्री। भारत एक एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है। सेकेंड पॉइंट, इट्स 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, या फिर इट्स 2/3% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट वन, इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री विच इज डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर विच इज प्राइमरी एक्टिविटी। सो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इट्स प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन बिसाइड द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। ऐसे कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ अनाज जो खाने के लिए उपजाते हैं वही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ रॉ मटेरियल में जो यूज होता है, जैसे टी, कॉटन, सिल्क, जूट, ये सब का भी प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में। इन इंडिया मोर देन 60% एग्रीकल्चर एंड वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो 50% से अधिक खेती की जाती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो कहा जाता है कि भारत को वर्षों पहले एक ऋषि प्रधान देश कहा जाता था, फिर भारत एक कृषि प्रधान देश बना, लेकिन आज का ऐसा दौर आ चुका है जिसमें ये जुमला बहुत ही सेट होता है, परफेक्ट होता है कि भारत आज एक कृषि प्रधान देश बन चुका है। सबसे पहले भारत एक ऋषि प्रधान देश था, फिर भारत एक कृषि प्रधान देश बना, और आज का एक ऐसा दौर आ चुका है जहां पे भारत कृषि प्रधान देश बन चुका है। बट नाउ अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का मीनिंग को समझते हैं। सो एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि, खेती करना, फार्मिंग करना। द टर्म एग्रीकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। ये टू लैटिन वर्ड्स मिलकर बना है, एक होता है एगर और दूसरा होता है कल्चर यानी एग्रीकल्चर। सो एगर का मतलब होता है लैंड यानी जमीन, भूमि, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन यानी कि प्रैक्टिस करना। यानी कि ये टर्म एग्रीकल्चर जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, लैटिन शब्द से निकल के आया है, जिसका मीनिंग होता है एगर। एगर मीन्स होता है लैंड एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। आज के दौर में एग्रीकल्चर जो है अलग अलग स्पेसिफिक पॉइंट को भी इंक्लूड करता है। तो मॉडर्न डे एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड फॉरेस्ट्री, पीसीकल्चर, कॉटेज फार्मिंग एंड कैटल फार्मिंग। कॉटेज फार्मिंग भी हो सकता है, कैटल फार्मिंग भी हो सकता है। ओके, हियर अंडरस्टैंड अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है? एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज का मतलब होता है उद्योग यानी कि जहाँ पे कारखाने होते हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स प्राइमरी सेक्टर। कोई ऐसा इंडस्ट्रीज जो खेती बाड़ी पे डिपेंड होता है, जहाँ पे खेती बाड़ी की प्रोडक्शन से कुछ जो प्रोड्यूस हुआ, वो जो रॉ मटेरियल जो मिलता है और इंडस्ट्रीज रन कर पाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। वंस अगेन आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच रन अकॉर्डिंग टू द हाउ इज कल्टिवेशन, हाउ इज प्रोडक्शन, हाउ इज रॉ मटेरियल मटेरियल्स प्रोड्यूस इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। जैसे कि यहाँ पे कॉटन मिल हो सकता है, जूट मिल हो सकता है, सुगर मिल हो सकता है, ये सारे मिल जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। अब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर का क्या रोल होता है? तो एग्रीकल्चर उसे क्या प्रोड्यूस करता है, अपने पास प्रोड्यूस करता है रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल को कहाँ भेजता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे एक किसान भाई है तो वो चीनी का खेती करते हैं, गन्ने का खेती करते हैं, और वो गन्ने का प्रोडक्शन करके कहाँ भेजते हैं, तो वो गन्ने का प्रोडक्शन भेजते हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में।